नमस्कार, आप सभी का स्वागत करता हूं मैं एक बार फिर से अपने YouTube चैनल में। और आज ये कोई ब्लॉग नहीं होने वाला है, एक ये स्पेशल वीडियो है आप सभी के लिए और एक मोटिवेशनल वीडियो है, क्योंकि आज मैं आप सभी को एक ऐसे बच्चे से मिलाने वाला हूं जिसके काम को देख करके आप सभी लोग काफ़ी ज़्यादा प्रभावित होंगे, आपको काफ़ी अच्छा लगेगा और आप अपने आप को नहीं रोक पाएंगे कि इस वीडियो को शेयर करने से। तो मैं आज आप सभी को दिखाने वाला हूँ कि एक ऐसा बालक जो कि काफ़ी कम उम्र का है, काफ़ी छोटी क्लास में पढ़ता है, उसके बावजूद भी वो एक ऐसा काम कर रहा है जिस काम को बड़े बड़े लोग नहीं करते हैं, क्योंकि बहुत सारे लोग उस काम को करने में शर्माते हैं, बहुत सारे लोग नहीं करना चाहते हैं, कई सारे रीज़न हैं। लेकिन एक ऐसा बालक जो कि हमारे गांव में आ रखा है, हमारे गांव द्वारे के पड़ोसी गांव चुचेर का है, तो वो यहाँ पे कुछ ऐसा काम कर रहा है कि जिसको मैं अपने चैनल में दिखाने के लिए, आप सभी को दिखाने के लिए अपने आप को नहीं रोक पाया। तो मैं मिलाता हूँ उस बच्चे से, उस बालक से, और दिखाता हूँ आपको उसका काम। और आप सभी से रिक्वेस्ट करता हूँ, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है तो इस वीडियो को आगे शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो यह आप देख सकते हैं, इस समय मैं अपने गांव में हूं। मेरे गांव का नाम है द्वारी, जो कि देवभूमि उत्तराखंड के बागेश्वर जिले के कपकोट विकासखंड के ग्राम पंचायत बास्तिक का राजस्व गांव है। और अभी मैं अपने घर की तरफ जा रहा था तो मुझे रास्ते में एक बच्चा मिला है। देखो, ये काफ़ी कम उम्र का है, लगभग 15 साल की इसकी एज है, ये चुचेर गाँव का है। और ये यहाँ पे, सबसे पहले मैं दिखा देता हूँ ये क्या कर रहा है। देखो, इसके पीठ में एक यहाँ पे देखो एक डोका है, खोल के दिखाना इसको। ये देखिए, ये डोका है, इसमें कुछ कपड़े रखे हैं और इसके अंदर ये देख सकते हैं आप जो घर में जो केले होते हैं। तो इस प्रकार से देखिए, ये यहाँ पे केले बेचने के लिए मेरे गांव में आ रखा है। एक्चुअली ये बेचने के लिए नहीं आया है, इसको डिमांड मिली थी गांव से, किसी ने इनको डिमांड दी थी कि 10-12 दर्जन केले हमको चाहिए। तो इससे पहले भी इसके पापा हमारे गाँव में आए थे, तो आज ये खुद उनकी डिमांड पूरी करने के लिए केले को जो है घर तक पहुँचाने के लिए यहाँ पर आया है। तो तेरा नाम क्या है? मेरा नाम सूरज सिंह कोरंगा है। और पिताजी का नाम? मान सिंह कोरंगा। गांव का नाम? चुचेर। कौन सी क्लास में पढ़ता है? मैं 8th में। कौन से स्कूल में? ये इंटर कॉलेज मार्केट। तो अभी जो ये तू केले बेचने के लिए यहाँ पे आया है, तो इससे पहले तेरे पिताजी आए थे, उस दिन मेरे को मिले थे, मैंने उनको भी केले बेचते हुए देखा। तो आज तू यहाँ पे आया है, तो बेचने के लिए आया है या किसी ने डिमांड किया था कि हमारे घर लेके आना? ये डिमांड की थी ऊपर से। अच्छा, तो डिमांड की थी। तो कितना, लगभग कितने दर्जन केले हैं इसमें? ये 10-11 दूध वाले केले बोलते हैं वो है, कुछ मुंगरी बोलते हैं। तो दोस्तों मैं आपको बता देता हूँ, जैसा कि इस बच्चे ने बोला, इसमें दो वैरायटी के केले हैं, एक थोड़े बड़े होते हैं, ये बड़ा वाला है ना, तो छोटा है, ये छोटा है, तो इसको इसको दूध केला बोला जाता है हमारे पहाड़ी लैंग्वेज में, इसको दूध क्यार बोला जाता है। और एक बड़ा वाला होता है, उसको मुंगरी बोला जाता है, जो थोड़ा सा ठीक ठाक होता है, ये है ना। तो ये जो है, ये मुंगरी केला है, देखो ये थोड़ा सा इसकी लंबाई और मोटाई थोड़ा ठीक ठाक है, और ये थोड़ा सा छोटा होता है, तो इसको दूध केला बोला जाता है। तो इसमें लगभग 10-12 दर्जन है ना। तो अगर मैं इसकी बात करूं तो लगभग 600 से 700 के बीच का ये केला है, और ये 15 साल की उम्र में, 15 साल एज बताई ना तेरे जी। तो ये 15 साल की एज में यहाँ पे देखो केला बेचने के लिए आ रखा है। तो कैसा लग रहा है तेरे को ये काम करते हुए, कैसा लग रहा है तेरे को? बहुत सही लग रहा है। और क्या क्या काम करता है घर में? घर में बकरियों के साथ जाता हूँ, गाय के साथ जाता हूँ, हल हल जोतता हूँ, कभी हल भी जोतता है। कितनी बकरियाँ हैं तुम्हारे पास? जी 80-90 तक है। 80-90 बकरियाँ हैं। अच्छा, तो स्कूल तेरे साथ में तेरी भाई भाई बहन भी, कितने भाई बहन हो? एक दीदी है मेरी। दीदी वो कितने में पढ़ती है? वो 11 में गई अभी। तो तुम दोनों स्कूल जाते हो और घर में मम्मी पापा अकेले काम कर लेते हैं। तो कभी जब छुट्टी होती है तो गाय बकरियों के साथ भी जाता है? घर आके ग्वाला पे जाता हूं। अकेले चले जाता है 80-90 बकरियों को एक साथ? जी हाँ। अच्छा, तो यार देखो कितनी कम उम्र में, देखो 15 साल की एज है इसकी, और ये देखो बिल्कुल पहाड़ी जो लुक आप कह सकते हैं, और यहाँ पे पीठ में डोका लगा के उसमें केले डाल के इस प्रकार से गांव में, देखो ये हमारा गांव है और यहाँ पे ही आया है। तो ये डिमांड के केले हैं, अगर डिमांड के केले नहीं होते तो शायद 2-4 दर्जन मैं भी लेके जाता, बट मैं अगली बार जब ये मुझे मिलेगा तो पक्का इसमें से जो है नेक्स्ट टाइम इसके साथ जब भी मैं मिलूँगा तो मैं भी इससे जो है केले परचेज करूँगा। हालाँकि ये जो है इसके डिमांड के केले हैं, ये सीधे लेके जा रहा है, ऊपर डिमांड कर रखा है किसी ने, वहाँ पहुँचाना है। तो ये आज केले पहली बार बेच रहा है या पहले भी कभी बेचे हैं तूने? आज पहली बार आ रहा हूँ। पहली बार जी। और मैं तेरे से थोड़ा सा और सवाल जवाब करूँगा, अभी पढ़ाई कर रहा है तो क्लास 8th में ना, तो अभी आगे क्या करने का विचार है, भविष्य में जब बड़ा हो जाएगा लिख पढ़ के क्या करेगा? वो अभी फौजी में जाने का विचार है, आर्मी में जाने का। तो आर्मी में जाने के लिए कुछ प्रैक्टिस वगैरह करता है अभी से? करता हूँ। क्या क्या करता है? पुशअप्स लेता हूँ,
थोड़ा कसरत भी करता हूँ, सुबह दौड़ने भी जाता हूँ कभी। दौड़ने भी जाता है? अच्छा, और मास्केट तुम्हारे घर से, चुचेर से मास्केट की दूरी कितने किलोमीटर है? लगभग लगभग 3 से ऐसी होगी 3 तक 3 किलोमीटर। तो कितने समय में, मतलब कितना मिनट लगता है वहाँ पहुँचने में, स्कूल पहुँचने में? या स्कूल से ऊपर तो एकदम चढ़ाई है गांव की ओर, तो जब स्कूल से ऊपर आते हो कितना मिनट लग जाता है ऊपर आने में? ऊपर आने में लगता है 1-1.5 घंटा। हाँ, नीचे जाने में आधा घंटा लगता है, दौड़ के जाता हूँ नीचे जाने। अच्छा, दौड़ के जाता है? आधा घंटा लगता है। अच्छा अच्छा, बाकी क्या करता है खाली टाइम में, क्या काम करता है वैसे? खाली टाइम पे वैसे खाली टाइम होता ही नहीं है ज्यादा। नहीं होता है? जैसे आजकल के बच्चे तो गेम भी खेलते हैं मोबाइल में, और दिन भर टीवी में चिपके रहते हैं, मोबाइल में लगे रहते हैं, गेम खेलते हैं या बहुत सारी चीज़ें करते हैं, तो वो काम भी करता है? कभी कभी फोन तो भी लगाए रहता हूँ उसे। अच्छा, थोड़ा बहुत। हाँ हाँ, टाइम मिल गया तो। हाँ, तेरा जो फेवरेट सब्जेक्ट है वो क्या है? मेरा मैथ। मैथ है? तो आगे अगर पढ़ाई की मैं बात करूँ तो इंटर करने के बाद क्या, मतलब किस प्रकार की पढ़ाई करेगा, कॉलेज की पढ़ाई करेगा या कोई अदर कोर्स करने का विचार है, क्या करेगा? अभी सोचा ही नहीं है। कुछ नहीं सोचा है? अच्छा अच्छा। तो यार, आप सभी ने देखा यहाँ पे, इसका नाम सूरज कोरंगा है, जो कि चुचेर गांव का है और क्लास 8th में पढ़ता है मास्केट इंटर कॉलेज में। तो ये यहाँ पे केले पहुँचाने के लिए आ रखा है किसी के घर में, और काफ़ी अच्छा लगा इससे मिलके। ये जब नीचे से आ रहा था ऊपर को, तो मैं नीचे सड़क से इसके साथ ही ऊपर को आया, और मैंने सोचा कि यार ये जो काम कर रहा है, इस काम को आप सभी को दिखाना चाहिए, आप तक पहुंचाना चाहिए। और वैसे हमारे पहाड़ों में लोग इस प्रकार का काम करने में शर्माते हैं। जब हम छोटे छोटे हुआ करते थे, हमारे गांव में बहुत सारे लोग इस प्रकार से केले बेचने के लिए, संतरे, माल्टा, नींबू बेचने के लिए आते थे, बट आजकल धीरे 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 वो चीज़ें ख़त्म होती जा रही हैं, और वो कल्चर हमारा एकदम ख़त्म हो गया है, जो एक प्रकार से गाँव जाके लोग अपने प्रोडक्ट को बेचते थे घर घर जाके। बट इसको देख के, सूरज को देख के काफ़ी अच्छा लगा, काफ़ी मोटिवेशन हुआ। और जब एक 15 साल का बच्चा इस प्रकार का काम कर सकता है, तो हम क्यों नहीं कर सकते हैं? तो इसीलिए मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करता हूं, जो लोग बोलते हैं कि हम बेरोज़गार हैं, हमको रोज़गार नहीं मिलता है, तो उन लोगों के लिए एक सीख है। देखिए, इसने बोला 80-90 बकरियाँ हैं घर में, बहन है वो भी स्कूल जाती है, माँ बाप जो है पूरा घर का काम संभालते हैं, और जब स्कूल की छुट्टी होती है तो खुद भी काम करता है, खुद भी हल जोतता है, खुद भी बकरियों के साथ जाता है। तो मेरा इस वीडियो को बनाने का मकसद यही है कि आप सभी लोग इस वीडियो से कुछ ना कुछ सीखें, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, और ख़ास तौर पे अपने पहाड़ के उन सभी लोगों को, उन सभी नौजवानों को ये वीडियो शेयर कीजिए, जो लोग बोलते हैं कि हम बेरोज़गार हैं, हमारे पास रोज़गार नहीं है। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है, पहाड़ में रोज़गार की कोई कमी नहीं है। अगर आप करना चाहते हैं रोज़गार, तो आपके लिए रोज़गार के बहुत सारे अवसर हैं। सिर्फ हमको जो है, जो हमारे अंदर शर्म है, जो डर है, उस डर को, उस शर्म को दूर करना पड़ेगा, और खुले दिल से एकदम प्रोफेशनल तरीके से अगर हम किसी भी काम को करेंगे, तो कोई भी काम छोटा बड़ा नहीं होता है, चाहे आप कितने ही ज़्यादा लिखे पढ़े क्यों ना हो। तो आप सभी लोग इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिए। मैं बहुत बहुत बधाई देता हूँ इस बालक को, इस बच्चे को, जो कि अभी इतनी छोटी उम्र में इतना अच्छा काम कर रहा है। तो आगे जाके इसका जो सपना है फौजी बनने का, तो निश्चित तौर पर ये फौजी बनेगा और अपनी देश की सेवा करेगा, और काफ़ी कर्मठ, काफ़ी जुझारू, जिसको हम लोग बोल सकते हैं, उस प्रकार का इसका मेरे को जो काम लगा, तो काफ़ी अच्छा लगा मुझे इससे मिलके। और आप सभी लोग इस वीडियो को शेयर कीजिए। बाकी मैं करता हूँ इस वीडियो को यहीं पर ख़त्म, और मिलता हूँ बहुत जल्दी एक नए वीडियो के साथ में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय देवभूमि उत्तराखंड।